हेलो फ्रेंड्स, उत्तर स्टडी पॉइंट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं नेहा मैम आज फिर आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ, जीवन की उत्पत्ति से संबंधित प्रमुख सिद्धांत एवं जैव विकास। ये दोस्तों बायोलॉजी का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। एंड आई होप कि मैंने ये जो वीडियो बनाया है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इसमें से आपको बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, आपको जरूर मिलेंगे। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ में मैं ये अपना आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग बात करते हैं इस चित्र के बारे में। ये जो पहला ये डायग्राम बना हुआ है, देखिए स्पीसीज से स्टार्ट होकर एक ह्यूमन तक गया है, यही एक जैव विकास है। हम लोगों का विकास यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ है, बेसिक ये सब हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन इसके बीच में क्या क्या हुआ और इस पर क्या क्वेश्चंस बन रहे हैं, हम लोग आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है ले लेते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, कि जीव विकास, ठीक है दोस्तों, जीव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम है, जैन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, आप लोगों को बिल्कुल याद कर लेना है। जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने जैव विकास एवोल्यूशन को सर्वप्रथम परिभाषित किया था। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वैज्ञानिकों ने आधुनिक मनुष्य का अंतिम पूर्वज, ठीक है, अंतिम पूर्वज किसे माना है। तो क्रो मैग्नॉन मानव को अंतिम पूर्वज माना है। नोट एक दिया हुआ है क्या है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम स्टार्टिंग कितने वर्ष पूर्व, करीब 2 अरब वर्ष पूर्व से मानी गई है। हम लोग का विकास होने में इतना समय ऑलमोस्ट लगा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन है कि विकासवाद का सिद्धांत, ठीक है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन किसने प्रतिपादित की थी। तो चार्ल्स डार्विन ने प्रतिपादित की थी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं क्या है, विकास का प्रमुख कारक क्या है। तो प्राकृतिक वरण, ये हम लोगों का क्या है, विकास का मुख्य कारण होता है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं कि विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, म्यूटेशन ऑफ थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का प्रतिपाद किसने किया था। तो ह्यूगो डी वीज ने इसका प्रतिपादन किया हुआ था। फिर से एक नोट है, देखते हैं कि आर्कियोटेरिक्स जुरैसिक वर्ग का सबसे प्राचीन प्राणी है, इसका आपको नाम याद रखना है, आर्कियोपेट्रिक्स। ये क्या है कि जुरैसिक वर्ग का सबसे प्राचीन पक्षी तो है, लेकिन ये सरीसृप व पक्षी वर्ग के मध्य की कड़ी माना जाता है। ये दोनों के मध्य की क्या माना जाता है, कड़ी माना जाता है। मैमथ किस जीव का पूर्वज है, तो मैमथ जो है हाथी का पूर्वज है। कई जगह हाथी के नाम भी मैमथ देखने को मिलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवेंथ लेते हैं, पृथ्वी का सबसे पहले किस जीव की उत्पत्ति मानी गई है। तो नील हरित शैवाल, जो ब्लू ग्रीन एल्गिया होती है, उसको हम लोग मानते हैं कि सबसे पहले क्या है, पृथ्वी पर इसकी उत्पत्ति हुई है। शीत ऋतु में पशुओं के प्रसूति काल को, जो इनका ड्रोमेसी पीरियड होता है, उसको क्या कहते हैं, इसको हाइबर्नेशन कहते हैं। किस जीव में स्नायु यंत्र, नर्वस सिस्टम तो होता है परंतु मस्तिष्क नहीं, तो वो तारा मीन या स्टारफिश में ऐसा होता है। दसवां क्वेश्चन देखते हैं कि जीवाणु किस प्रकार के राइबोसोम में पाया जाता है, जीवाणु में किस प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। तो 70S राइबोसोम्स इसमें पाया जाता है। नोट क्या है कि डायनासोर सरीसृप रेप्टाइल्स वर्ग में आते थे, जिनका उदय किससे माना गया है, मेसोजाइक युग में हुआ था। डायनासोर किस में आते थे, सरीसृप में आते थे, ठीक है दोस्तों। और इनका जो उदय है वो किस युग में माना गया है, तो मेसोजाइक युग में माना गया है। 11th क्वेश्चन देखते हैं कि नील हरित शैवाल जीवाणु तथा कवक में लवक नहीं पाए जाते, बल्कि लोमिली के आकार की कौन सी रचना पाई जाती है। तो ये जो रचना होती है इसको कहते हैं क्रोमेटोफोर्स। क्या कहते हैं दोस्तों, नील हरित शैवाल में जो लवक की जगह जो लोमिली पाई जाती है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको क्रोमेटोफोर्स कहते हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं, किन पौधों में जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। तो अनावृत बीजी एवं टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, जाइलम वाहिकाओं का अभाव होता है। पांच जगत वर्गीकरण 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया था, तो ये हिटेकर ने प्रस्तुत किया था। जंपिंग जीन्स, ठीक है दोस्तों, जंपिंग जीन्स की खोज किसने की थी, तो मैक क्लिंटॉक ने की थी।
अब नेक्स्ट 15th क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, कौन से क्षार डीएनए तथा आरएनए दोनों में पाए जाते हैं, डीएनए तथा आरएनए में कौन से क्षार पाए जाते हैं, तो इन तीन का नाम आपको याद रखना है, एडिनिन, ग्वानिन और साइटोसिन, ये डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं और ये क्षार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 देखते हैं, ऐसे कौन से उड़ने वाले जीव व पक्षी वर्ग में नहीं आते हैं, तो वो चमगादड़ है दोस्तों, चमगादड़ बैट को उड़ने वाले कीट एवं क्षमता होती हुए भी पक्षी वर्ग में के अंतर्गत इनको नहीं रखा जाता है, क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये मैमल्स हैं, इनमें स्तन पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग पक्षी वर्ग में नहीं रखते हैं। वह समूह किस के जंतु रात्रिचर होते हैं, तो मच्छर, चमगादड़, उल्लू, ये तो हम सभी जानते हैं कि ये कैसे होते हैं, इनके समूह के जो है रात्रिचर होते हैं। कुछ साधारण नाम और उनके वैज्ञानिक जो है वो देख लेते हैं, ये एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ये कॉमन है और बार बार पूछे जाते हैं। मानव को हम लोग क्या बोलते हैं, तो होमो सेपियंस कहते हैं। तेंदुआ को क्या कहते हैं, पैंथेरा पायरेट्स कहते हैं। बाघ को क्या कहते हैं, पैंथेरा ट्रिगर्स कहते हैं। शेर को दोस्तों कहा जाता है पैंथेरा लियो कहा जाता है, इसका आप स्क्रीनशॉट लें और बार बार इसका रिवीजन करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मटर को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको पाइसम स्टाइबम कहते हैं। बिल्ली को क्या कहते हैं, फेलिक कैट्स कहते हैं। मेढक को राना टिग्रीना कहते हैं। और धान को क्या कहते हैं दोस्तों, तो ओराइजा सटाइवा कहते हैं। आप बार बार इनको पढ़ेंगे तो ये आपको जरूर याद हो जाएंगे, याद नहीं करना है, बार बार पढ़ने से ही ये हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं सेट हो जाते हैं। सरसों को दोस्तों क्या कहते हैं, तो इसको ब्रैसिका कंप्रेटिस कहते हैं। चना को सिरस एरिएटिनम कहते हैं। गेहूं को क्या कहते हैं, ट्रिकम एस्टिवम कहते हैं। गाय को क्या कहते हैं, बॉस इंडिकस कहते हैं। और आम को मैरीफेरा इंडिका कहते हैं। ये थोड़े से जीव विकास से अलग है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगे तो मैंने कहा इनको भी मैं डाल देती हूँ, ये नेम्स अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा तो सिर्फ एक ही उद्देश्य है, एक ही लक्ष्य है कि बस कोई भी क्वेश्चन आए और हमें उसे क्रैक करना ही करना है, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 18th क्वेश्चन देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक और अप्रकाशिक अभिक्रिया क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है। ठीक है दोस्तों, तो कहाँ पे होती है, ग्रेना और स्ट्रोमा में संपन्न होती है। 19th क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है, तो ये है मेलस्का संघ के कुछ जंतुओं में नीले या हरे रंग का रक्त किसके कारण होता है, तो ह्यूमियासाइनिन के कारण। कैसा होता है, नीले और हरे रंग का रक्त होता है। लास्ट एंड 20 क्वेश्चन देखते हैं कि कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों में कौन सा कार्यात्मक सहचर पाया जाता है, तो दोस्तों कौन सा पाया जाता है, कवक मूल पाया जाता है। दोस्तों ये थे, ये जैव विकास की जो थी वो हमारी पहली सीरीज थी, इसमें हमने 20 क्वेश्चंस लिए, कुछ इंपॉर्टेंट नेम लिए। अब हम लोग जल्द ही जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो भी लेके आएंगे, और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो रिमेनिंग पार्ट में लेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा था इसलिए इसको मैंने यहीं तक रखा है। चलिए दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।